प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि आज एक बार फिर हम लोग सामने हैं। हालेलुया, परमेश्वर का अद्भुत आशीष है। एक नया वचन लेकर, एक नया प्रकाशन लेकर आज मैं आपके सामने हूं और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन, ये प्रकाशन आपको अद्भुत आशीष देगा। जैसा कि आपने टाइटल ऊपर पढ़ा होगा कि अगर आपने कोई ऐसा पाप किया है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है तो आप डरिए मत, क्योंकि इसका उपाय है। यस, मेरे भाइयों बहनों, हम जब प्रभु में आते हैं और परमेश्वर के हो जाते हैं, परमेश्वर का हम आशीष पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और पवित्र आत्मा का आशीष हम पर उतरता है, प्रेज द लॉर्ड, और हम पवित्र हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, परमेश्वर हमें शुद्ध करता है उसके लहू से, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप एक चीज जानेंगे कि परमेश्वर का मकसद है कि वो हमें सिद्ध करे। परमेश्वर हम इसलिए चुनता है ताकि वो हमें सिद्ध करे, और हम यकायक एकदम सिद्ध नहीं होते। हमारे पापों से हमको मुक्ति मिल जाती है, हमारे श्रापों से हमको मुक्ति मिल जाती है, लेकिन डे बाय डे परमेश्वर हमें सिद्ध करता है। उसकी आत्मा जो हमारे अंदर है वो पवित्रता का आशीष हमें देते हुए अपने 9 फलों को हमारे अंदर रोज प्रकट करती है, रोज उन फलों को प्रकट करती है, बनाती है, बढ़ाती है, ताकि उन फलों में हम रोज बढ़ते जाएं और एक दिन ऐसा आए कि हम पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएं और सिद्ध हो जाएं और परमेश्वर के रास्ते पर पूरी ईमानदारी और समर्पण के संग चले। लेकिन इस बीच क्या होता है कि शैतान हमारे इस चीज का फायदा उठाता है। शैतान फायदा उठाता है और वो क्या करता है कि मान लीजिए कभी कोई ऐसा पाप, कोई ऐसा गुनाह, क्योंकि हम तो पाप को जान चुके, जो जो हमने पाप किए थे उसकी क्षमा हम मिल चुकी है और हमें हम जान गए कि पाप क्या है। पाप करना परमेश्वर को पसंद नहीं है, पाप भयंकर है परमेश्वर के लिए, तो ये हम जान गए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम संसार में रहते हैं और हमसे कोई ऐसा पाप हो जाता है, प्रेज द लॉर्ड, हमसे कोई ऐसा पाप हो जाता है और हम डर जाते हैं और शैतान हमारे अंदर दोष की भावना लेकर आता है। वो यूं दोष लगाता है कि और कहता है, हमारे मन में डालता है कि हमारी पवित्रता अब चली गई है, परमेश्वर पवित्र है और हमने पाप किया है, इसलिए अब हम परमेश्वर के योग्य नहीं है। और ये भावना जब हमारे अंदर आती है, ये दोष की भावना जब हमारे अंदर आती है मेरे भाई मेरी बहन, तो हम कठोरता की ओर हम चलने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब तो खेल खत्म हो गया, अब तो परमेश्वर हमें माफ करेगा नहीं, अब तो हम परमेश्वर के साथ जा नहीं पाएंगे। ये कठोरता शैतान हमारे अंदर लेकर आता है और जब ये विचार हमारे अंदर लेकर आता है, जब ये दोष की भावना हमारे अंदर आती है, तो हम कठोर हो जाते हैं और पाप की ओर बढ़ जाते हैं। इंस्पाइट कि हम परमेश्वर की ओर बढ़े, हम पाप की ओर बढ़ने लगते हैं और इसका फायदा उठाता है शैतान और हमें पाप की ओर खींचता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर बहुत 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 महान है, परमेश्वर जानता है कि हम कमजोर हैं, परमेश्वर जानता है कि हम संपूर्ण नहीं है, परमेश्वर जानता है कि हम उसके पुत्र हैं, परमेश्वर जानता है हमारी कमजोरियों को, हमारी निर्बलताओं को जानता है वो, इसलिए उसने अपनी आत्मा को हमारे अंदर रखा हुआ है। इसलिए बाइबल के अनुसार मैं आज आपको बताऊंगा कि जब अगर हम कोई पाप करते हैं तो हमें किस तरीके से उससे बाहर निकलना है। अभी रास्ता दूर नहीं है, मंजिल हमारी दूर नहीं है, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, हमने अगर गलती की है तो मेरा पिता मेरे साथ है। कभी मत भूलिए कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। हाँ, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्र बने, हम भी वो काम करें जो उसको पसंद है। लेकिन अगर गलती से आपके संग वो काम हो जाता है जो उसको पसंद नहीं है, या उसके विरुद्ध अगर आप काम करते हैं, तो इसका भी उपाय है, आप वापस आ सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ूंगा और वचनों के अनुसार मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष देगा पूरी ईमानदारी के संग। आप लास्ट तक बने रहिए, प्लीज लास्ट तक इस वचन को सुनिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। और प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि परमेश्वर आपको और आशीष दे। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियन 3:16-18 मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं, ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। परंतु जब कभी कोई मनुष्य प्रभु की ओर फिरता है तो वो पर्दा हट जाता है, वो पर्दा हट जाता है। हमारे ऊपर क्या है, पर्दा था। हम नहीं जानते थे कि शैतान कौन है, परमेश्वर कौन है, हम नहीं जानते थे कि परमेश्वर क्या है, कैसे काम करता है, हम नहीं जानते थे। हमारे ऊपर एक पर्दा था, प्रेज द लॉर्ड,
लेकिन जैसे हम यीशु मसीह में आते हैं, जैसे हम आते हैं, हमारे आंखों के सामने से वो पर्दा हट जाता है और हम जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, हम जानते हैं कि परमेश्वर कितना दयालु है, हम जानते हैं कि शैतान कैसे काम करता है हमारे जीवन में और हम जानते हैं कि प्रभु कैसे हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। तो यहां पर लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियन, सेकंड कुरिन्थियन 3:16-18, मैंने 16 आपके लिए पढ़ा, दोबारा पढ़ता हूं। परंतु जब कभी कोई मनुष्य प्रभु की ओर फिरता है तो वो पर्दा हटा लिया जाता है। अब ये प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। क्या है वहां पर? स्वतंत्रता। अब देखिए 18, और हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमेन। कैसे बदलते हम? अंश अंश करके, इमीडिएट नहीं बदलते। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ये सोचते हैं कि आप यीशु मसीह में आए, आपने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा आई और आप पूरी तरीके से इमीडिएट सिद्ध हो गए, गलत है। आप इमीडिएट सिद्ध नहीं हो सकते, आप धरती पर हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप धरती पर जी रहे, संसार में जी रहे, आपके आत्मा का जन्म हुआ है, आपका शरीर वही है। इसलिए अंश अंश करके जब आप उस तेजस्वी रूप को देखते हैं, जब उस तेजस्वी रूप को आप अपने अंदर बसा लेते हैं, जब आप परमेश्वर की भलाई को देखना शुरू कर देते हैं, जब परमेश्वर की कृपा को आप महसूस करने लगते हैं, जब आप उसके अनुग्रह में स्थिर हो जाते हैं, तब उसके काम आपके जीवन में जो कर रहा है वो, उन कामों को जब आप देखते हैं तो आप अंश अंश करके रोज बदलते हैं, अंश अंश करके। वो बोलता है कि तेजस्वी रूप में अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं रोज, और यही काम है पवित्र आत्मा का, और यही परमेश्वर चाहता है कि हम रोज रोज बदले, रोज बदले, ताकि हम उस आशीष को पा सकें, ताकि हम परमेश्वर के और करीब जा सकें। और परमेश्वर की भी यही इच्छा है, इसलिए उसने अपनी आत्मा हमें दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है अगर हमसे पाप हुआ है, हमसे कोई गलती हुई है, तो हम क्षमा मांगे। क्या कहता है? 1 यूहन्ना 1:8-9 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और आप विश्वास करिए, ये विश्वासियों के लिए वचन जो आप मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। 1 यूहन्ना 1:8-9, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। 9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन धर्मी है? परमेश्वर। वो विश्वास योग्य है, वो जानता है कि हम कमजोर हैं, वो जानता है कि हम निर्बल हैं। इसलिए अगर हमसे कोई पाप हुआ है, अगर हमसे कोई गलती हुई है, तो हम क्षमा मांगे, घुटने पे आए, मान ले कि हमने पाप किया है। मेरे भाई, बहुत से भाई बहन ऐसे जो मुझे इस समय देख रहे हैं, बहुत से हो सकता है आप नशा करते हो। जब आप प्रभु में आने से पहले आप नशा करते हो, शराब पीते हो, गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, कोई बहुत से नशे आप हो सकता है, और भी कोई नशा आप करते होंगे। लेकिन आप प्रभु में आने के बाद जब आपके यारी दोस्ती ऐसी संगति आई और उन्होंने आपको शराब पिला दी, उन्होंने आपको सिगरेट पिला दी, या आपने गुटखा खा लिया, प्रेज द लॉर्ड, तो आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपको दूर कर दिया है या परमेश्वर के पास आ नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपनी गलती को मान लें कि यस मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर परमेश्वर, अगर आप मान लें कि मैंने पाप किया है, तो वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, एलोही है, वो आपको क्षमा करने में विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, वो आपको माफ करेगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप ये सोच के घर में बैठे हुए हैं कि मैंने पाप कर लिया है, मैं प्रभु में भी आया, 1 साल हुआ 2 साल हुआ 3 साल हुआ मैं प्रभु में आया, मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने आपका प्रभु भोज भी लिया, और उसके बाद मैंने पाप कर लिया, अब परमेश्वर मुझसे दूर हो गया, परमेश्वर मेरे करीब नहीं आएगा, ना ही मैं परमेश्वर के पास जा सकूंगा, तो ये गलत है, ये गलत है। परमेश्वर दयालु है, इसलिए उस चीज को निकालिए अपने दिमाग से, अपने दिलो दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिए कि परमेश्वर आपको बिल्कुल नकार देगा। नहीं, वो जानता है कि आप कमजोर हैं, वो जानता है कि आप निर्बल हैं, वो जानता है, इसलिए वो आपकी सहायता करने के लिए आया है। इसलिए क्या कहा यीशु मसीह ने कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो अपनी आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा ताकि वो तुम्हारी सहायता करे, तुम्हारा सहायक बने। पवित्र आत्मा कौन है? हमारा सहायक के रूप में है, हर क्षेत्र में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गलत बात है, ये अजीब बात है कि हम उसकी सहायता मांगते नहीं है, लेकिन हमें माननी चाहिए।
अगर हम कहीं किसी दुर्बल स्थान में हैं, अगर हम कहीं किसी कमजोर स्थान में हैं, अगर हम कहीं किसी ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं जहां हमको नहीं लगता कि हमको क्या काम करना है, मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र आत्मा आपका सहयोग देगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। अगर आप पवित्र आत्मा से मांगेंगे, अगर आप पवित्र आत्मा से कहेंगे कि पवित्र आत्मा मुझे बताइए मैं क्या करूं, पवित्र आत्मा मैं किस ओर चलूं, पवित्र आत्मा मैं इस निर्बलता से, पवित्र आत्मा मैं इस विपत्ति से कैसे बाहर आऊं, अगर आप विश्वास के संग समर्पण के संग पवित्र आत्मा से मांगेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है प्रभु के रूप में, परमेश्वर के रूप में, वो आपको जवाब देगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको मजबूत करेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, क्षमा मांगना, पश्चाताप करना बहुत बड़ी बात है, और उसका वरदान कौन देता है पता है? परमेश्वर। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब आप क्षमा मांगते हैं ना तो आप अपने आप को मजबूत करते हैं, आप अपने आप को मजबूत करते हैं, क्योंकि आपने क्षमा मांगी है जिसका आपने गलती की थी, जिस किसी की आपने गलती की है उसकी आपने क्षमा मांगी, इसलिए परमेश्वर आपको मजबूत करता है, आप अपने आप को मजबूत करते हैं, वो आत्मा आपको अंदर से मजबूत करती है और आपसे दोबारा पाप ना करने का एक वाचा बांधती है। आइए नीति वचन 28 का 13 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, नीति वचन 28 का 13। प्रेज द लॉर्ड, देखिए बहुत अच्छा वचन है और इसको समझने की कोशिश करिए। प्रोवर्ब्स 28:13, जो अपने अपराध छिपाता है वो सफल नहीं होगा। चुनौती है, चेतावनी है, अगर आप अपने अपराध छुपाते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि मैंने पाप किया, मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं एक पास्टर हूं, अगर मैंने पाप कर लिया है और कोई मुझे देख नहीं रहा है, कोई मुझे समझ नहीं सुन नहीं रहा है, किसी ने देखा नहीं मुझे पाप करते हुए, और आप पाप को छुपाते हैं, तो आप सफल नहीं होंगे। बाइबल कहती है, वचन कहता है कि आप सफल नहीं होंगे, आप सक्सेस नहीं होंगे। अगर आप जो अपने अपराध छिपाता है वो सफल नहीं होगा, परंतु जो उन्हें मानकर छोड़ देता है, ध्यान दीजिए, जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। जो उन्हें मानकर, यानी कि मानना मैंने पाप किया है और मानकर छोड़ देता है, कि एक तो मानना, यहां दो बातें हैं कि एक तो पश्चाताप किया, मैंने पाप किया, मैंने नशा किया, मैंने व्यभिचार किया, यस पाप किया, पाप किया और पाप करके आपने अंगीकार किया और उसके बाद अपने आपने वाचा बांधी कि नहीं अब मैं नहीं करूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं गलत दृष्टि किसी पे नहीं डालूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, यानी कि मैं लालच नहीं करूंगा, मैं हत्या नहीं करूंगा। एक तो आप समझ रहे हैं, दो चीजें यहां पर हैं। बाइबल बताती है, वचन बताता है कि जो उन पापों को मानकर, कि जिसने माना कि यस मैंने पाप किया है, मैंने ये गलती की है, और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। कभी कभी ये होता है, आप समझते हैं कि भाई पाप किया, अगर ऐसी बात है बाइबल में तो हमने पाप किया और माफी मांगी, परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया, फिर हमने पाप किया, नहीं ये मत भूल करिएगा, ये गलतफहमी मत रहिएगा, परमेश्वर दयालु जरूर है, परमेश्वर कृपालु जरूर है, वो माफ करता है, वो अपने बच्चों को चांस देता है, वो अपने बच्चों को मौका देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करते जाए करते जाए करते जाए, नहीं। इसलिए वो क्या कह रहा है कि जो पापों को मान लेता है और छोड़ देता है, एक्सेप्ट करिए, वाचा बांधिए, कमिटमेंट के नहीं, यस मैंने पाप किया, मुझसे गलती हुई है, मैंने चोरी की है, मुझसे गलती हुई है, मैंने झूठ किया, मैंने झूठ बोला, मुझसे गलती हुई है, मैंने नशा किया है, लेकिन उसके बाद आप मानिए और छोड़ दीजिए कि नहीं अब नहीं करूंगा, अब मैं नशा नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं गलत काम नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं गलत विचार अपने मन में नहीं लाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, तब क्या होगा, परमेश्वर आपको ताकत देगा, पवित्र आत्मा आपको ताकत देगी वो काम ना करने में, क्योंकि आपने वाचा बांधी है, वो आपका सहायक है। पवित्र आत्मा कौन है? आपका सहायक है, आपकी सहायता करेगा उस वाचा में बने रहने में, उस कमिटमेंट में बने रहने में, परमेश्वर के संग बने रहने में आपको सहायता करेगा पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, हम समझते हैं कि हमारा सहायक कौन है, हम समझते हैं कभी कभी कि मैंने पाप किया मैं किसको बताऊं, हो सकता है किसी को बताऊं, हो सकता है अपने दोस्त को बताऊं, अपने बीवी को बताऊं, अपने पति को बताऊं, अपने माता पिता को बताऊं, तो हो सकता है वो मेरा मजाक उड़ाए। मेरे भाई मेरी बहन, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपका यीशु जो आपके अंदर है उसको बताइए, उसकी आत्मा जो आपके अंदर है उसको बताइए,
वो जीवित है और उसने आपको अपना मंदिर बनाया है और वो आप में वास करता है। उसको बताइए, उससे कहिए कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मैं पवित्र हो जाऊं, मैं शुद्ध हो जाऊं फिर से। सवा आपको याद है दाऊद ने जब पाप किया था, बेतसबा एक औरत ऐसी जो दाऊद के महल के सामने उसकी छत पर नहा रही थी। दाऊद युद्ध करने के लिए नहीं गया, अकेला था और वो शाम को अपनी छत पर घूमता हुआ आया है। उसने देखा उस औरत को और वो औरत नहा रही थी। मैं आपको बताऊं, शैतान आपके जीवन में काम करता है, शैतान आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बताता हूं। बेतसेदा जिसके अंदर पाप था, दाऊद के अंदर पाप नहीं था, बेतसेदा के अंदर पाप था। कभी आपने सोचा है कि कोई औरत एक खुली छत पर बिना वस्त्र के, बिना वस्त्र पहने नहाएगी? कभी आपने सोचा क्यों नहाएगी वो? क्योंकि उसके अंदर पाप था, उसके अंदर योजना थी, इसलिए वो बिना वस्त्र पहने, क्योंकि वो जानती थी मैं खूबसूरत हूं, वो जानती थी कि राजा शाम को निकलता है घूमने के लिए, राजा दाऊद, वो जानती थी। और शैतान ने उसके मन को उकसाया और बेतसेदा निर्वस्त्र होकर नहाने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, दाऊद ने देखा, उसको बुलाया, उसके संग सोया, पाप किया। लेकिन उसके संग दूसरा पाप उसने क्या किया कि उसके पति को बुलाया जब उसे पता लगा कि बेतसेबा गर्भवती है। अब अगर शरीफ औरत होती ना बेतसेदा, तो वो कभी नहीं बताती कि मैं गर्भवती हूं। उसने ये संदेश पहुंचाया, ये मैसेज दिया, ये चिन्ह दिया कि मैं क्या चाहती हूं। रिसलो, तुम्हारा गर्व मेरे अंदर आ गया है। और जब उरिया वहां से आया, जब परमेश जब दाऊद ने उरिया को बुलाया रणभूमि से और उसको कोशिश की, फर्स्ट दिन, पहला दिन जब उरिया को बुलाया, उससे कहा तो अपने घर जा, और जब वो घर चला गया तो उसके पीछे पीछे दाऊद ने उपहार भेजे उसके घर पे। प्रेज़ द लॉर्ड, और ये उपहार उरिया को नहीं पता था कि भेजे हैं, ये किसको मिले? बेतसेदा को मिले। यानी कि बेतसेदा को पता था कि मेरा पति आ चुका है, मेरा पति घर नहीं आया है लेकिन रणभूमि से आ चुका है, वो कभी भी घर आ सकता है। और वो जो रात को नहीं आया तो उस औरत ने कोशिश नहीं की कि वो अपने पति को बुला ले। वो जो उसका पति सैनिकों के संग सो रहा था, उसने कोशिश नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड, और एक बात, हालेलुया, पाप क्या होता है? देखिए पाप किस तरीके से आपके जब सर पर चढ़ जाता है तो पाप आपसे क्या करवाता है। दाऊद ने उरिया को मरवा दिया और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि तूने पाप किया है, अब ये श्राप तेरे परिवार पर आएगा। और हम पूरी कहानी पढ़ते हैं किस तरीके से उसके बाद दाऊद का जीवन बदल गया। लेकिन जैसे ही पाप उसको पता लगा कि मैंने पाप किया, जैसे ही दाऊद को एहसास हुआ कि मैंने पाप किया, उसने माफी मांगी। उसने क्या कहा, देखिएगा 51 भजन संहिता 51 का 2-3-4 प्रेस और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। दाऊद कहता है, मेरे अधर्म से मुझे पूर्णता धो दे। उसने जान लिया कि उसने अधर्म किया है। नाता नबी ने बताया कि तूने अधर्म किया है और उसने महसूस किया कि मैंने अधर्म किया है। वो कहता है, मेरे अधर्म से मुझे पूर्णता धो दे और मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर, जो मैं पाप कर चुका हूं। देखिए वो अंगीकार कर रहा है। और तीसरा वचन क्या कहता है, 51 का साम भजन संहिता 51 का तीसरा, क्योंकि मैं अपने अपराधों को मानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरे सम्मुख रहता है। निरंतर वो परमेश्वर के सामने घुटनों के बल आया, दंडवत प्रणाम किया और रोता रहा वो कि मैंने जो पाप किया बेतसेदा का, मैंने जो पाप किया उरिया को मारकर, वो पाप अपराध दिन रात मेरे सामने रहता है। और वो कह रहा है पिता परमेश्वर से, पिता परमेश्वर तूने मुझे ब्लेस किया है, तूने मुझे अभिषेक किया है। वो कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। सोचिए, वो ये नहीं कह रहा कि मैंने बेतसेदा के विरुद्ध पाप किया है, वो ये नहीं कह रहा कि मैंने उरिया के विरुद्ध पाप किया है, वो कह रहा है मैंने सिर्फ तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, इसलिए तू अपनी बात में खरा और न्याय में सच्चा ठहरता है। क्यों? क्योंकि तू न्यायी है,
क्योंकि तू दयालु है, क्योंकि तू जानता है, क्योंकि जब हम माफी मांगते हैं, जब हम तेरे सामने आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं, जब हम अंगीकार करते हैं कि हमने पाप किया है, तो तू दयालु है और तू तेरी दया हम पर उतरती है और तू हमें फिर से माफ कर देता है, फिर से माफ कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद को माफ किया। इसी का 11वां वचन क्या कहता है, 51 का 11वां कहता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। राजा है पूरा, और देखिए पूरा भारतवर्ष का सबसे बड़ा राजा था वो उस समय, सारे राज्यों को उसने जीत लिया था। वो कहता है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप पाप का अंगीकार करते हैं ना, तब आप पवित्र आत्मा की कीमत को जानते हैं, तब आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा की कीमत क्या है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको एहसास दिलवाता है कि आप पाप ना करें, आप कोई गलत काम ना करें। पवित्र आत्मा ही है जो आपकी सहायता करता है। इसीलिए लिखा हुआ रोमियो 8:26 में, देखिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं, रोमियो 8:26 में, कि वो आपके लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं ही ऐसी आहें भर भर कर जो अवर्णीय है हमारे लिए विनती करता है। वो कहता है, पिता परमेश्वर माफ कर इसको, इससे अनजाने से गलती हो गई है, इसके पाप को माफ कर, इसकी कठोरता को दूर कर, इस पर कृपा कर। और मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर आपको माफ करेगा, लेकिन हम अपनी नियत रखें माफी की, हम क्षमा की नियत रखें। हम दीन हैं, हम कमजोर हैं, हम बलशाली नहीं हैं, हम संपूर्ण नहीं हैं। अगर कोई कहता है मैं संपूर्ण है, तो वो आपको झूठ बोलता है। धरती पर कोई आदमी, कोई पास्टर ऐसा नहीं है जो संपूर्ण है। हम सब कमजोर हैं, हम सब अधूरे हैं, हमें परमेश्वर चाहिए, हमें यीशु चाहिए। इसलिए जब तक यीशु हमें नहीं मिल जाता, तब तक हम सिद्धता की ओर रोज बढ़ते रहें, रोज बढ़कर उसको पकड़ने की कोशिश करें, उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करें, अपने आप को परिपक्व करने की कोशिश करें, अपने आप को शुद्धता की ओर, परिपूर्णता की ओर ले जाने की कोशिश करें। इसलिए कलीसिया है, इसलिए वचन है, इसलिए उसकी आत्मा है। और यही चाहता है परमेश्वर, यही चाहता है कि तुम्हारा पाप मत करना। आपको याद है मरियम मग्दलीनी, यूहन्ना 8, आपको याद है? सारे लोग फरीसी है, सदूकी, सब लोग आ गए थे उसके पास और सब उसे लेकर आ गए कि ये है व्यभिचारिणी, इसने पाप किया है। यीशु मसीह, आप क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने कहा, जिसने पाप नहीं किया इसको पत्थर मारे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पत्थर मारे वो औरत जिसने पाप किया था, मरियम मग्दलीनी जिसने व्यभिचार किया था, वो जानती थी मैंने पाप किया है, वो जानती थी और रो रही थी। वो उसका रोना उसका पश्चाताप का रूप था, उसका रोना अंगीकार था कि मुझे माफ कर। और आप देखिए यहां पर क्या कहते हैं, सब लोग चले जाते हैं तो 11वां वचन क्या कहता है, वो बोली, किसी ने भी, यीशु मसीह ने पूछा, तूने किसी ने तुझे सजा दी? उसने कहा, किसी ने भी नहीं प्रभु। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा, अब से फिर पाप ना करना। दंड की आज्ञा नहीं दे रहा है, लेकिन चेतावनी दे रहा है। यही चेतावनी हमारे लिए और आपके लिए है। परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया और परमेश्वर हमें माफ कर रहा है। आप क्या समझते हैं, दिन भर बाइबल पढ़कर स्तुति आराधना करते हुए अगर आप उपवास भी रखते हैं तो क्या पाप नहीं करते? पाप तो कई तरीके से मन में आता है, आपकी सोच के द्वारा, आपके सुनने के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा, कई रूप से पाप आपके अंदर आ सकता है। सबब क्या है, करना क्या है, हमें एहसास, हमें उस एहसास में रहना है, हमें उस एहसास के संग रहना है कि नहीं, कोई भी गलत बात मेरे अंदर ना जाए, कोई भी गलत बात मैं देखूं नहीं, कोई भी गलत बात अपने मुंह से ना बोलूं। ये विचार, ये सजगता, ये एक चेतावनी के रूप में हमें इस चीज को देना है कि नहीं, मुझे प्रभु के लिए पवित्र रहना है,
इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुझे माफ कर दिया है, लेकिन आगे से मत करना। इसलिए प्रोवर्ब्स नीति वचन 28 का 13 का कहता है कि जो उसे मान लेता है और छोड़ देता है, सिर्फ मान लेने से नहीं बनता है। आपने मान लिया कि मैंने पाप किया है और छोड़ा नहीं, दया नहीं आएगी, दया नहीं आएगी। याद रखिएगा, आपने अपने पापों को मान लिया है और छोड़ा नहीं है, दया नहीं आएगी। हां, आपने माफ मान लिया है और छोड़ दिया है, उसकी दया आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, और फिर से किसी ने पिलाई आपने बीड़ी पी ली, अगर जान पूछ के पिए तो मेरे भाई नहीं, गलत है, गलत है। लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करिए, और कंट्रोल कौन करेगा? आप नहीं करेंगे, आपकी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर है, वो आपको शक्ति देगी कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकें, आप उस चीज से ना जूझें। क्योंकि वो विचार जो गलत आते थे आपके अंदर पाप के लिए, जो नशे के विचार आपके अंदर आते थे, वो कौन लाता था? शैतान। लेकिन अब शैतान आपसे दूर हो गया है, अब शैतान आपके साथ नहीं है, अब कौन है? प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो प्रभु आपको पवित्रता के विचार देता है, शुद्धता के विचार देता है, शांति के विचार, स्तुति के विचार लाता है, प्रशंसा के विचार, उसकी महिमा के विचार लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जानिए मेरे भाई, जानिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए, एक वचन और आत्मा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद हम बंद करेंगे। जकई के बारे में अगर आप जानते हैं तो उसके बारे में भी सुनिए। जकई, जो लूका 19:8-9 में है, वो एक पापी था, वही पापी था। प्रेज़ द लॉर्ड। और जानता था यीशु मसीह को, वही बहुत बड़ा सूदखोर था, उसने कईयों से पैसे लिए थे, उसने कईयों को धोखा दिया था, उसने कईयों से झूठ बोला था, कई लोग बर्बाद भी हुए होंगे उसकी उसके साथ, उसके संग काम करते हुए, या उसको उसको पैसा देते हुए, उसको कर्ज देते हुए। लेकिन लेकिन जब यीशु मसीह को देखने के लिए, जब यीशु मसीह को अपने घर में लाने के लिए, जब यीशु मसीह के चरणों में समर्पित होने के लिए उसके मन में, उसने अपने मन में पैदा किया, उसके मन में आया, तब क्या हुआ? क्या किया उसने? उसने यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पित किया। और यीशु मसीह जब उसके घर में आया तो क्या कहता है, वो क्या कहता है? लुका, हालेलुया, वो क्या कहता है? देखिए, उसने अंगीकार किया। 19वां, जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा कि प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ भी लिया है तो उसे चौगुना लौटा दूंगा। यीशु ने उसके लिए कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह मनुष्य भी इब्राहिम का एक पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु क्या कहता है कि जब आप अंगीकार करते हैं, हाँ, एक अंगीकार आपने किया था पहले, जब आप प्रभु में आए थे, जब आप प्रभु में आए, आपने पश्चाताप किया, प्रभु ने आपको पापों से मुक्त किया, आपने बपतिस्मा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप प्रभु में रहते हुए पाप करते हैं, उसकी भी परमेश्वर माफी देता है। मैं आपको एक वचन और देता हूं, पहला यूहन्ना 5:16। हालेलुया। कई लोग कंफ्यूज होंगे, उनके लिए एक वचन और मैं दे देता हूं, 5:16। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका परिणाम मृत्यु ना हो, तो वो प्रार्थना करे, और परमेश्वर उसके कारण उन्हें जिन्होंने ऐसा पाप किया है किया हो जिसका कारण मृत्यु नहीं है जीवन देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा पाप है जिसका कारण मृत्यु नहीं है। और अगर आप अपने भाई, अपनी बहन, या किसी अपने पासवान को भी ऐसा करते हुए देखते हैं, प्लीज प्रार्थना करिए, परमेश्वर माफ करेगा, परमेश्वर माफ करेगा और आपको आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पीछे मत हटिए मेरे भाई। कोई मुकम्मल नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है इस धरती पर, सिर्फ यीशु के अलावा कोई नहीं है। इसलिए अगर कोई ऐसा छोटा पाप, कोई गलती हमसे होती है, तो प्लीज घुटने पे आके माफी मांगिए, प्लीज परमेश्वर से कहिए मुझे माफ करिए, प्लीज परमेश्वर से कहिए मुझे सिद्ध बनाइए, मुझे शक्ति दीजिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करिए, ताकि ये भावना, ये विचार जो मेरे अंदर आ रहे हैं दोबारा ना आए, मैं दोबारा ऐसा काम ना करूं। मांगिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परमेश्वर आपको सिद्ध करेगा, परमेश्वर आपको शक्तिशाली बनाएगा। यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा आपके अपने 9 फलों से आपको परिपूर्ण करेगा, यही उसका काम है। और इसमें वो क्या चाहता है? आपकी सहायता। इसमें वो आपको, वो चाहता है कि आप उसकी सहायता करें, आप उसके साथ रहें।
प्रेज द लॉर्ड, इसलिए विश्वास करिए और पीछे मत हटिए। आज का दिन है, अगर आपने पाप किया अंगीकार करिए। इसी इस समय अगर आपको अभी भी लगता है कि आपने कोई पाप किया और ये वचन आप सुन रहे हैं, प्लीज अंगीकार करिए और उससे कहिए कि परमेश्वर मुझे माफ करो और वाचा बांधिए कि मैं आज के बाद ये पाप नहीं करूंगा। मैं आज के बाद न सिगरेट पीऊंगा न नशा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आज के बाद गलत निगाह से किसी को नहीं देखूंगा। मैं आज के बाद लालच नहीं करूंगा। मैं आज के बाद स्वार्थ नहीं लाऊंगा। बोलिए अगर आपने पाप किया है और अभी भी आपको लगता है यस, तो अंगीकार करके उसे छोड़िए। हालेलुया। नीति वचन 28 का 13 का कहता है कि जो उसे मान लेते हैं और छोड़ देते हैं परमेश्वर उस पर दया करता है। इसलिए अगर आपने किया है मानिए, कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, आपने पाप फिर किया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता मुझे माफ करने के योग्य है। विश्वास करो, विश्वास योग्य है, वो मुझे माफ करेगा, माफ कर देगा। इसलिए माफी मांगिए और परमेश्वर के योग्य बन जाइए और फिर से उसी आशा के साथ परमेश्वर के साथ चलिए और विश्वास करिए परमेश्वर आपके साथ है और साथ रहेगा, और जब वो आएगा तो आपको लेके जाएगा। विश्वास करिए, इसलिए उसमें बने रहिए और सचेत रहिए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोगों के लिए हम आशीष का कारण बने और आपको भी आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र समर्थ नाम में अद्भुत शिफा है। देखने वाले सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं, चंगाई मांगता हूं परमेश्वर। आपकी कृपा ऋषि इन सब पर बनी है। अगर जिन्होंने पाप किया है और ये परमेश्वर पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर अंगीकार करते हैं और मांगते हैं परमेश्वर और छोड़ने के लिए वाचा बांधते हैं परमेश्वर, इनको आशीष दीजिए, इनकी सहायता करिए, इनको शक्ति दीजिए ताकि परमेश्वर ये तेरे बच्चे हैं जो परिपूर्ण हो जाए, पवित्रता के साथ सिद्ध हो जाए परमेश्वर और तेरे बन जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की है। मैं प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है। हालेलुया। मुझे भी और मेरे परिवार को भी प्रार्थना में रखिए। फिर जल्दी से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।